हेलो दया वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग फ्रॉम क्वॉन्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड एज वी स्टार्ट दिस रीडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करने हैं हम लोग को और बहुत कुछ पढ़ना है तो एक एक करके लर्निंग आउटकम पे एक सेपरेट वीडियो बनाने का मन है सो येस यू विल सी दैट देर आर सेवन एट वीडियोज ऐसा हो सकता है आपके लिए हो एंड एट दी एंड एक प्रैक्टिस वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे सो दैट वी गेट अ ओवरऑल गुड ग्रिप ओवर दिस एंटायर टॉपिक बट यस ये टॉपिक काफी अलग था और इस अलग टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरा अंदाज ही हमने बदल दिया है नंबर वन यू कैन डेफिनेटली सी दैट द लेआउट हैज चेंज्ड अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं आपको अपने प्रिंटेड नोट्स से ना पढ़ा करके हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज द इनिशियल नोट्स दैट आर डेवलप्ड और इसको डेवलप जब मैंने किया तो मुझे लगा ये हैंड रिटन नोट्स काफी अच्छे होंगे एंड इट इज इनफैक्ट पॉसिबल टू यूज दिस इन क्लास सो येस वी आर टू यूजिंग माई हैंड रिटन नोट्स ऐसे ये सेम नोट्स वैसे आपको भी प्रोवाइड हुए हैं अगर इन केस आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट कर पाएंगे ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे एंड यू विल फील लाइक कि आपने ही लिखे हैं सो दैट्स अ गुड पॉइंट एंड यस बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है एट द सेम टाइम थोड़ी इंटेंस भी होगी सो यू विल अ लॉट ऑफ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स एंड एक एक करके हम लोग लर्निंग आउटकम को कवर कर रहे होंगे ट अवे स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम ए इन लर्निंग आउटकम ए वी आर गोइंग टू प्राइमरली टॉकउटर रिग्रेशन मॉडल जिसके ऊपर so तो अगर तो देखो लर्निंग आउटकम ए डिफाइन यही करने वाला है कि मॉडल होता क्या है बट बिफोर वी एक्चुअली डाइव इन टू दिस इक्वेशन एंड मैं आपको बताता हूं में है क्या? देखो ऐसा हो सकता है देर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट देर आर टू वेरिएबल ऑफ विच इज एक्स दर वन इज वाई ठीक है ना एक बार मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका एक्स जो एक वेरिएबल है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो

ऑब्जर्वेशन वैल्यूज ऑफ द पेयर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हम ऐसा पता कर सकते हैं कि वॉट इफ एक्स अगर इतना होगा तो वाई कितना होगा तो यहां पर ऐसा समझ में आ रहा है अगर एक्स की वैल्यू है ये तो वाई की वैल्यू है ये. Correct? And इसी तरह मैं और भी कई सारे ऑब्जर्वेशन सेट को स्कैटअपलॉट पे पुट करना चाहूंगा जब मैं अपने स्कैटअप प्लॉट पर पुट करूंगा तो मुझे काफी सारे ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज मिल जाएंगी नाउ ईच डॉट इज रिप्रेजेंटिंग अर्डिनेट विच एक्सप्रेसेज दैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई

पर्टिकुलर स्कैटर प्लॉट जहां पे एक्स और वाई की मान लेते हैं डिफरेंट हमारे पास में है एंड एक डिस्टिंग कैन आई रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप थ्रूनियर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन के थ्रू मैं इस पूरे रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना चाहता हूं क्या ये मैं कर सकता हूं हार्म कर सकते हैं कैसे है? मैं exactly आपको प्रोसेस बताऊंगा बट अभी के लिए समझाता हूँ

एक्चुअल में एक ऐसी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए जो मोर और लेस एक्स और वाई को डिफाइन करेगी अब इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं लीनियर लीनियर रिग्रेशन रिग्रेशन मॉडल मॉडल ये में आपके पास एक रिग्रेशन लाइन है और ये रिग्रेशन लाइन ट्राई करेगा स्टैब्लिश करने को एक रिलेशनशिप को जो कि ये बताएगा कि एक्स की वैल्यू अगर कुछ होगी तो वाई कितनी होगी अगर एक्स की वैल्यू कुछ होगी तो वाई की वैल्यू कितनी होगी ये सारी वैल्यूज जितनी भी हम बात करें ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगी ये प्रेडिक्शंस होंगी Clear? ये क्या होंगी प्रेडिक्शन होंगी और उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से ये वैल्यूज वर्क करेंगे और आई वुड से सम गुड एग्जांपल तो एग्जांपल तो में आपके सामने ये रख रहा हूं कि सपोज इटली एक्स इज द प्राइस ओके एंड वाई इज सप्लाई ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉमोडिटी तो हमने इन द हिस्ट्री ये नोटिस किया कि प्राइस के हिसाब से सप्लाई का स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा बन रहा था क्लियर बट वी आर वेरी अनश्योर कि प्राइस आगे क्या होगा प्राइस कुछ भी हो सकता है करेक्ट तो मैंने ये बोला कि चलो लेट्स पुट दिस इनटू अ मॉडल अगर हमारे पास एक्स और वाई की इतनी सारी हिस्ट्री की वैल्यूज हैं इतनी हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं वट इफ वी ब्रिंग दिस डाउन इन टू अ पर्टिकुलर मॉडल और उस मॉडल पर हम आगे जाकर के जज करना चाहेंगे कि एक्स की वैल्यू के हिसाब से वाई की, की वैल्यू क्या होगी एंड वी थॉट ऑफ दिस थिंग और हमने इस कैटर प्लॉट को डिफाइन करने के लिए एक लाइन बना दी ये लाइन line एक लीनियर लाइन line है इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ट्राई कर रहा है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का बिटवीन एक्स एंड वाई ये लाइन हमें यह बताएगी कि अगर एक्स की वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेती है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी उट की वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई एम नॉट मीनिंग की होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है पर हम प्रेडिक्टर कर पाएंगे अगर हम एक्स की वैल्यू पकड़ रहे हैं एक्स वन तो फिर वाई होनी चाहिए वाई वन क्या ऐसा जरूरी है नहीं ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू है एक्स वन लेकिन वाई इधर में आया दिस इज देशन इट कैन हैपन लेकिन हम अपनी इनिशियल प्रडिक्शन यहां कर रहे हैं अब ये प्रेडिक्शन हम करें तो कैसे करें इस प्रेडिक्शन के लिए ही हमें चाहिए एक रिग्रेशन मॉडल ये रिग्रेशन मॉडल क्या है ये रिग्रेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि प्रेडिक्ट करता है वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इस केस में है एक्स उसकी वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या होगी अगर आप ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक रिग्रेशन मॉडल की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लीकेशन है इसमें पर एक बार के लिए शुरुआत यहां से हुई अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करूं तो ज्योमेट्री में भी हमने सीखा हुआ है बहुत बेसिक ज्योमेट्री में दैट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए करेक्ट अब यही इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं थोड़ा सा टर्न अराउंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम सम्यू नोटेशन वाई इज स्टिल वाई करेक्ट एक्स इज स्टिल एक्स लेकिन हम यहां पे ए को रिप्लेस कर रहे हैं विथ बी जीरो इट इज स्टिल वेरी मच the intercept of this line whereas b1 is going to represent b which is essentially the slope of this line so intercept hota hai? intercept is this point its height is b1 so this resembles what this resembles the value of y given x is equal to 0 so when x is equal to 0 we will still have a value of y that value is basically known as b0 so this is the starting point of this

अब मेरा सीधा सा ये कहना है कि अगर आपके पास ऐसा एक रिग्रेशन मॉडल है इन प्लेस तो अगर आपके पास एक्स की कोई भी वैल्यू आएगी यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू हियर कि जो x की वैल्यू आप डालेंगे इस मॉडल में एक्सैक्टली exactly वही y की वैल्यू आने वाली है एक्चुअली भी नहीं बट प्रेडिक्टेड वैल्यू इज डिफरेंट इट कैन मतलब इन द सेंस काफी ज्यादा ऊपर है कैसा हो सकता है एकदम हो सकता है तो so, ये इनिशियल प्रोडिक्शन के लिए ऐसा मॉडल बनाया जाता है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिस इज नोन एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अब अगर आप बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना है हमें भी ऐसा ट्राई करना है तो लीजिए आपके लिए मैं एग्जांपल लेकर के आया आप एक काम कीजिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना करके दिखाइए ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना अपने कैलकुलेटर में डेटा वैल्यूज इंसर्ट करनी है फॉर एक्स एंड वाई आपको एक्स और वाई के लिए छह छह वैल्यूज इंसर्ट करनी है इसके लिए हम क्या करेंगे वी विल गो टू द सेकेंड बटन ऑन अवर कैलकुलेटर आफ्टर दैट वी विल प्रेस सेवन बटन विच इज एसेंशियली डिनोटिंग द डेटा बटन तो जैसे ही आपने सेकेंड प्लस डेटा सर्व किया वैसे ही आपके पास में या तो पहले से वैल्यूज होंगी उसको क्लियर कर लेना और अगर वैल्यूज नहीं है तो आप इंसर्ट करना शुरू करेंगे X01 में वैल्यू ऑफ टू एंटर डाउन एरो वाई वन पूछेगा वाई वन विल बी फाइव एंटर डाउन एरो एक्स टू में फोर एंटर डाउन एरो वाई टू में नाइन सिमिलरली एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स एंड एंड सिक्स की वैल्यूज इंसर्ट कीजिए इंसर्टेड ऑल द वैल्यूज उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद में आपको प्रेस करना है सेकंड प्लस स्टैट बटन सेकंड प्लस एट एट रिजेंबल स्टैट बटन जैसे आप ये प्रेस करोगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी इज द टोटल सारी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज मिलेंगी आपको एक्स मीन वाई मीन स्टैंडर्ड एविएशन, सब कुछ पता चलेगा अब ये ए और बी क्या है ये ए और बी और कुछ नहीं बी जीरो और बी वन ही है ये ए

एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जानना चाहता हूँ yes, उसके लिए मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा फिफ्टी सो फिफ्टी इंटू टू पॉइंट फोर फिफ्टी इंटू टू पॉइंट फोर माइनस पॉइंट वन थ्री थ्री सो मेरे हिसाब से जो प्रडिक्टेड वैल्यू आएगी वो आएगी फोर्टी सेवन पॉइंट एट सेवन x मैंने कुछ गड़बड़ करा है <laughs> एक बार चेक कर लेता हूं एक्चुअली हंड्रेड काफी डिफरेंस है जस्ट अ मिनट द रिजल्ट इज 119.87 सो द रिजल्ट इज 119.87 अब ये कैसे हुआ बहुत सिंपल है मैंने हिस्टोरिकल वैल्यूज देखी बिटवीन एक्स एंड वाई इन वैल्यूज को मैंने अपने कैलकुलेटर पे इंसर्ट किया हम ये सेम काम एक्सेल पे भी कर सकते हैं वी कैन फाइंड आउट द स्लोप एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ बी वन एंड बी टू सॉरी बी वन विच इज एसेंशियली ए एंड बी तो इंटरसेप्ट और स्लोप अगर आपको एक बार मिल गया तो आप आराम से उसको प्लॉट कर सकते हैं अब ये प्लॉटिंग करते वक्त ध्यान दीजिए ये प्लॉटिंग करते वक्त इस तरह की कुछ लाइन मिल रही है जहां पे हमारा इंटरसेप्ट का वैल्यू है माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री एंड वी विल हैव अवर स्लोप बट 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 अब यहां पे ये समझना पड़ेगा एरर टर्म्स क्या हैं तो एरर टर्म्स अगर मैं समझाऊं तो एक्चुअली हमारे ये पूरे इक्वेशन में एरर टर्म रहेगा ही रहेगा व्हाई दिस एरर टर्म विल ट्राई टू क्लेरिफाई व्हाई द एक्चुअल पिक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेडिक्टेड वैल्यू अब क्या है समझ गए मैंने x और y की छह-छह वैल्यूज इंसर्ट करी दिस दिस इज द एक्चुअल y ओके okay? मैंने एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यूज इंसर्ट करी अपने कैलकुलेटर में आई गॉट अ मॉडल उस मॉडल के हिसाब से वो होगा भी नहीं अरे आप एक स्कैटर प्लॉट को एक सिंगल लाइन में कैसे एब्जॉर्ब करोगे खास करके एक लीनियर लाइन line में लीनियर लाइन line में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर पाओ सो देर विल ऑलवेज बी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन योर प्रोडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू हाँ अगर कोइंसिडेंटली एक ही पॉइंट पे मैच करें अलग बात है बट अदरवाइज यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वाई वैल्यू एंड द प्रोडक्टेड वैल्यू जैसे कि यहाँ दिख रहा है 5, so, जब इस तरह का आपको कोई भी डिफरेंस देखने को मिले यू विल सी देर इज एन एयर टर्म एयर टर्म का अगर मैं फॉर्मुला बताऊं देन दिस इज गोइंग टू बी वॉट दिस इज गोइंग टू बी दाई वैल्यू एंड द प्रडिक्टेड वाई वैल्यू

Obviously the error term captures the difference between actual and the predicted value, correct? So ye model mein capture nahi hota This is the residual which has not been able to be explained through the model. But फिर भी हम ये error term डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी predicted value आएगी उसमें और actual value में difference हमेशा आने वाला है। क्लियर तो हमारे जो वाई की वैल्यू होने वाली है वो मॉडल के हिसाब से तो होगी हो प्रेडिक्टेड होगी बट प्रेडिक्टेड के बाद में अगर कुछ बच गया तो हम उसको एरर टर्म से एडजस्ट कर रहे होंगे हमारा एम यही रहता है कि हम इन एरर वैल्यूज को छोटा से छोटा रखें वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दीज एर वैल्यूज सो दैट हमारी लाइन एक बेस्ट फिट हो और वो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर प्लॉट के करीब से जाए इसका मतलब ये भी कह सकता हूं मैं कि अगर आपका स्कैटर प्लॉट सपोजिटली कुछ ऐसा है तो यू वुड नॉट वॉन्ट कि आपकी रिग्रेशन लाइन जो है वो ऐसे जाए या ऐसे जाए आप रेडर चाहोगे कि आपकी रिग्रेशन लाइन बीच से जाए वाई बिकॉज अगर वो बीच से जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा स्कैटर प्लॉट के करीब होगी द एयर टर्म्स विल बी मिनिमम एंड जहां पे एरर टर्म्स मिनिमम होंगे इट डज नॉट रियली मैटर एरर टर्म्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बट एरर टर्म्स ही छोटे होने चाहिए अगर आपके एरर टर्म्स छोटे हैं तो समझ लेना कि आपका मॉडल बढ़िया है इट्स अ बेटर फिट देन द रेस्ट ऑफ द लाइन तो ये था एक लर्निंग आउटकम ए बेसिक स्टार्ट जहां पे मैंने आपको ये बताने की शुरुआत करी है कि एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है प्लीज नोट दैट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज प्रोवाइडेड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस यहाँ पे y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि x अगर अपनी वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे पकड़ लेता है तो फिर y क्या होगा नो वे वी मीन टू से दैट सेवर विल मीट द एक्चुअल y वैल्यू ऐसा होगा कभी नहीं वी विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंस बिटवीन y वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू और इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं एरर दैट इज वाई इन आवर मॉडल वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस एरोट हम एक्चुअल वाई वैल्यू को प्रेडिक्टेड के साथ में रिलेट करके दिखा सके भाई हमने प्रेडिक्ट किया था बी जीरो प्लस बी वन इन टू एक्स आई लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत गैप आया है देन दैट विल बी एक्सप्लेन थ्रू एरोटर्म विच इज बियॉन्ड दिस लीनियर लाइन ये लीनियर लाइन पर नजर नहीं आ रहा तो उसके बाद जो डिफरेंसेज है उनको हम कहते हैं एरोटर्म टर so में बस इतना करना है कि कैलकुलेटर निकालिए प्लीज इन नंबर्स को डाइव इन कीजिए अपने कैलकुलेटर में एंड फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ योर ओन अगर आपसे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि हाँ आपसे ये लीनियर इक्वेशन समझ में भी आ गई और ये बनना भी शुरू हो जाएगा कर द पॉइंट तो ये एक बेसिक स्टफ था लर्निंग आउटकम ए शुरू हो चुका है और यहाँ पे बेसिकली हमने इस पूरी रीडिंग की शुरुआत कर दी है इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट विल जंप ओवर टू लर्निंग आउटकम बी एंड सी व्हाट एल्स डू वी हैव इन लर्निंग आउटकम बी अभी के लिए इतना ही सी इन द नेक्स्ट पार्ट